अस्सलाम वालेकुम। अब हम गारेसोर से नीचे उतरने जा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे उतरे हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं। ज़रा सोचा मैंने सांस ले लूँ, कुछ खा पी लें, भूख लगी, इतना ऊपर चढ़ कर आए हैं और भूख भी लग गई है। तो यहाँ से ऊपर एक दुकान है, तो वहाँ से हमने चीज़ें खरीदी हैं, महंगी नहीं है, सस्ती हैं, नॉर्मल रेट है, आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं, इतनी टेंशन नहीं है। एक पानी की बोतल ली है और ये नीमको, ठीक है, और ये एक बिस्किट, भूख लग गई थी भाई, बिस्किट लिया है, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये बबल। अब ये खाते जाएंगे नीचे की तरफ तो सांस नहीं फूलेगा, वैसे भी नीचे जाते जाती दफ़ा तो इतना सांस नहीं फूलेगा फूलता, लेकिन चलो फिर भी अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इंजॉय करेंगे। नीचे की तरफ ये देखें, ये बड़ा निज़ाम एक आपको दिखा दूँ, ये देखें, धूप फुल निकली हुई है, इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है, लोग वहाँ पर ऊपर ही रेस्ट फरमा रहे हैं और हम यहाँ पर एक चट्टानों के बीच एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल नज़दीक देखें, ये नीचे बंदा गिर भी सकता है, एहतियात करें भाई, ऐसा काम ना करें, एहतियात से बैठें। यहाँ पर कोई आने जाने वाला देखने वाला भी नहीं है। तो ये देखें, बड़ा एक नज़ारा भी है, लेकिन भाई डर भी है, कोई यहाँ पे अगर गिर जाए तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सेहत तंदरुस्ती दे और सबकी हिफाजत फरमाए। सबसे पहले हम आप लोग भी आए यहाँ पर, तो यहाँ पर खाएं पिए, घर से कुछ ना कुछ ले के आएँ भाई, केक वगैरह, पानी पानी के साथ लाजमी साथ ले करें, तो खाने पीने के हवाले से, क्योंकि भूख लग जाती है, इतना बंदा चल के आता है, बच्चे वगैरह भी लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों को भी लेके आए हुए हैं, आगे वो बैग पहना हुआ है, तो बच्चों को साथ लेके आए हुए हैं, बड़ी भाई हिम्मत है उनकी, औरतों की भी जो साथ लेकर आती है। हमारी पाकिस्तान की औरतें तो बहुत मुश्किल से आती हैं, क्योंकि इतना चलने की आदत नहीं होती, पता नहीं कितने हजार मीटर ऊपर आना पड़ गया, लेकिन ये भी एक सफर इंजॉय करने वाला है, क्योंकि हर लम्हा इंसान को इंजॉय करना चाहिए, अल्लाह ताला ने दिया है, इंजॉय करना चाहिए, यादगिरी होती है। बाद में ये बातें याद आएंगी, ये सफ़र याद आएंगे, जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर आए थे। कुफ़ारे मक्का ने जब तंग किया, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म फरमाया कि आप यहाँ से मदीना चले जाओ। वो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए, फिर यहाँ पर तीन दिन वो तीन रातें उन्होंने काम किया, उनके पाँव मुबारक से खून बहने लग गया। अभी तो थोड़े सा माहौल ठीक हो गया, यहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह थोड़ी बहुत लोगों ने खुरेद खुरेद कर तराश तराश कर पत्थर बना दिए हैं, आसानी फिर भी आसानी है, हमें उस वक़्त बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर बिठा के इस पहाड़ के ऊपर चोटी के ऊपर आए थे, उनकी क्या बात है, अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ईमान का जज्बा अता फरमाया। यहाँ पे आए, खाएं, एंजॉय करें, ये चेक करते हैं, नीमको तो भाई मज़े की थी, बिस्किट वगैरह चेक करते इसका क्या पाओ, तो भूख लगी हो तो भाई हर चीज़ मज़े की लगती है। मज़े का आहा।
भाई आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, यहाँ पर आते हैं आप मेरे लिए भी दुआ करें, तो मेरे माँ बाप के लिए भी दुआ करें, बहन भाइयों के लिए दुआ करें, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि अपने माँ बाप को मैं पहले उमरा करवाऊं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे उम्र पर भेज दिया, कहते हैं आप जाएं हमें मियाँ बीवी। आमतौर पर लोग अपने माँ बाप को भेजते हैं, ये सआदत हासिल करते हैं, लेकिन अभी तक हमें ये सआदत हासिल नहीं हुई, माँ बाप ने हमें भेज दिया। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख करोड़ों दुआएं करते हैं हम अपने माँ बाप के लिए, उन्होंने हमें भेजा यहाँ पर, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, और उनकी मगफरत फरमाए, बेहिसाब मगफरत फरमाए। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो भी आता है ना, वो दूसरी गाड़ियाँ थी ज़ियारत वाली, वो नीचे से ही आपको इशारा करके दिखा देते हैं कि ये ऊपर वाली गारेस और है, वो ऊपर नहीं लेके आती, क्योंकि वो 10-15 हज़ार लेती है, तो वो आपको इधर छोड़ दे, इधर से दूर से दिखा देती है, और भी काफ़ी ज़्यारतें हैं उन्होंने 10-15 होती हैं, वो सारी करवा देती हैं। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर स्पेशल टैक्सी पे आप आएंगे तो फिर आप यहाँ ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे शायद लग जाते हैं, ऊपर जाते 2-3 घंटे, उधर भी आप बैठेंगे फिर नीचे जाएंगे, कम से कम एक दिन आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आना तो एक दिन जरूर निकालें। जब यहाँ वापस जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई बस वगैरह मिलेगी, यहाँ टैक्सी करवाएंगे जाएंगे। सुभान तेरी कुदरत, पहले के दौर में भाई ऐसे जंगे हुआ करती थी, लोग पहाड़ों पे आके बैठते थे, यहाँ पर पहाड़ों पर पहरे देते थे, जंगे लड़ा करते थे, तलवारों से जंगे होती थी, यहाँ हाथों से होती थी, आज तो बटन दबाओ मिसाइल ऊपर। ऊपर तो आ गए, अब नीचे जा रहे जाने जो देख रहे हैं दूर से इतना सफर, दिल घबराता है भाई इतनी, अब नीचे जाएंगे हालांकि नीचे जाना आसान है, क्योंकि ऊपर तो जोर लगता, नीचे जाते वक्त जोर नहीं लगता। आसानी से खाएं पिए पेट भर कर जाएं। ठीक है भाइयों, अब तैयारी करते हैं नीचे जाने की। ओके दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी अच्छे से मंजर पर, अच्छे से प्लेस पर, किसी अच्छी सी ज़ियारत पर। तब तक याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड बाय।